दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा RLWL वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन से जर्नी करते हैं और अगर आपको कभी वेटिंग टिकट मिला है तो आपका भी पाला RLWL वेटिंग लिस्ट से ज़रूर पड़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा RLWL वेटिंग लिस्ट टिकट क्या होता है, ये कन्फर्म कैसे होता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ RLWL का फुल फॉर्म। RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट। ये वेटिंग लिस्ट ट्रेन के शुरू और गंतव्य स्टेशन के बीच के स्टेशनों से जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेन जोधपुर से हावड़ा के लिए जा रही है तो अगर कोई भी व्यक्ति जयपुर से जो टिकट बुक करेगा तो उसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट मिलेगा। काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि RLWL टिकट से हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर आपका टिकट कन्फर्म होता है तो आप यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपका वेटिंग में रहता है तो आपने काउंटर से टिकट बुक किया है तो आप यात्रा कर सकते हैं, पर अगर आपने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं RLWL टिकट की कन्फर्म होने की कितनी संभावना होती है। तो RLWL टिकट की कन्फर्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी ये टिकट कन्फर्म हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि GNWL वेटिंग लिस्ट से इसके चांसेस कम होते हैं। मतलब सबसे ऊपर GNWL वेटिंग है, मतलब सबसे पहले GNWL वेटिंग कन्फर्म होगा, उसके बाद RLWL होता है। पर RLWL वेटिंग भी कन्फर्म हो जाता है, पर PQWL वेटिंग लिस्ट जल्दी से कन्फर्म नहीं होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।